हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है लर्निंग कैड में। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ऑटोकैड के बेसिक ऑटोकैड के बारे में। जो बिगिनर है वो खासकर इस वीडियो को वो देखे। आज मैं स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ कैसे ऑटोकैड को यूज़ करते हैं, कैसे इसमें ड्राइंग बनाया जाता है। तो मैंने आपके सामने ये विंडो खोल दिया, ऑटोकैड का ये विंडो है। इसमें आपको होम टैब देखने हैं। होम टैब के अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स दिख रहे होंगे, तो हम सभी को देखेंगे एक एक करके कैसे यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले आता है ड्रॉ टूल। ड्रॉ टूल में आपको इसको खोल सकते हैं, थोड़ा सा आप नीचे इसको क्लिक कर लीजिए। इसमें काफ़ी सारा ड्राइंग रिलेटेड ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आप यहाँ से पिन कर सकते हैं चाहे तो ये यहीं पिन हो जाता है। इसको अगर अनपिन करेंगे तो ये दोबारा हाइड हो जाता है पैनल। वैसे आप मॉडिफाई देख सकते हैं, मॉडिफाई पैनल है तो मॉडिफाई में भी आपको काफ़ी फीचर्स मिलेगा। उसके बाद लेयर्स से, तो आप ऐसे देख सकते हैं। इसमें लेयर का वीडियो मैंने एक बना रखा है। तो मोस्टली काम आपका होम टैब में ही हो जाता है, जो ड्राइंग रिलेटेड काम मोस्टली सब होम टैब में हो जाता है। अच्छा, ये है लेटेस्ट वर्जन का जो दिखता है, लेटेस्ट वर्जन। पुराना वर्जन में आपको फाइल एडिट मेनू वो आता था। आप यहाँ से क्लासिक वर्जन करके वो उसको देख सकते हैं। यहाँ से क्लासिक वर्जन भी दिया गया है तो आप क्लासिक वर्जन में देख सकते हैं। यहाँ इस साइड में ड्रॉ आ जाता है, इस साइड में मॉडिफाई आ जाता है। तो हम लेटेस्ट वर्जन की बात करते हैं। तो ये दिख रहा है, ये उसको बोलते हैं व्यू पोर्ट, या इसको बोलते हैं मॉडल स्पेस। और हम काम करते हैं टॉप व्यू में, हम प्लानिंग करते हैं तो टॉप व्यू में ही काम करते हैं। 2D वायर फ्रेम यूज़ करते हैं, तो इनके बाद में देखेंगे इसका यूज़। जब हम 3D का यूज़ करेंगे या फिर हम सॉलिड काम करेंगे कोई, तो हम इसको यूज़ लेंगे। ये है व्यू क्यूब, ये टॉप में काम हो रहा है तो हम देखेंगे, बाद में देखेंगे इसका भी यूज़ कैसे होता है। तो यहाँ पे ये है कमांड लाइन है, जो भी कमांड टाइप करेंगे इसमें कमांड लाइन में शो हो जाता है। और यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं मॉडल स्पेस, लेआउट इसको बोलते हैं, पेपर स्पेस। इसमें दो लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट आता है, चाहे तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो आपको न्यू लेआउट यहाँ से राइट क्लिक करके मिल जाएगा, तो बाद में देखेंगे इसका भी। तो आप मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। और यहाँ पे स्टेटस बार में कुछ ऑप्शन दिख रहा है आपको, स्नैप्स वगैरह, वो बाद में ये भी चेक कर देखेंगे। सबसे पहले आपको दिखेगा लाइन कमांड। तो लाइन कमांड लेने के लिए हम क्या करेंगे, और आपको इसमें दिख रहा है ग्रिड लाइन दिख रहा है। ये जो लाइंस है ये आपका ग्रिड लाइंस है, ये आपको सभी लाइन देख सकते हो। इस ग्रिड सेटिंग भी हम देखेंगे बाद में कैसे ग्रिड सेटिंग्स होता है। इसको हम जूम इन जूम आउट करके देखते हैं। यहाँ पर एक्स है, ये वाई है, इसको बोलते हैं UCS, UCS आइकन। UCS का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम इसको देखते हैं, सबसे पहले लाइन कमांड है। तो लाइन कमांड कैसे ले सकते हैं ऑटोकैड में, हम कमांड जितनी भी कमांड है सबकी शॉर्टकट है और आप टाइप करके ले सकते हैं। तो सबसे पहले लाइन कमांड की बात करें तो लाइन कमांड लेते क्लिक करेंगे एक बार, आपको तो कर्सर थोड़ा सा चेंज दिखेगा, आपको कहाँ से कहाँ तक लाइन चाहिए आप क्लिक कीजिए। दूसरी लाइन कहाँ तक, दूसरी पॉइंट, सेकंड पॉइंट कहाँ तक चाहिए, वहाँ तक आप क्लिक कर सकते हैं। तो आप लाइन ऐसे बना सकते हैं। इस कमांड से बाहर आने के लिए आपको एस्केप बटन का यूज़ करना है। एस्केप बटन आपको कीबोर्ड के टॉप अप कॉर्नर बटन होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है एस्केप बटन, इसका यूज़ कर सकते हैं आप बाहर आने के लिए। और लाइन कमांड की शॉर्टकट है एल एंटर करके हम ले सकते हैं, तो भी लाइन आ जाता है। दोबारा एस्केप करेंगे, कोई भी कमांड से बाहर जाने के लिए आप एस्केप बटन को प्रेस करना पड़ेगा आपको।
हम लाइन को पूरा टाइप भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं एल आई एन ई और एंटर, तो भी लाइन आ जाएगा। हम इस साइड में बना लेते हैं, तो आप तीन तरीके से लाइन को यूज़ ले सकते हैं। तो एक बार मैं डिलीट करता हूँ, कंट्रोल ए एंड डिलीट। अब आप देख सकते हैं लाइन मेरा सीधी नहीं बन रहा, तो मेरे को स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए नीचे आ जाइए आप। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 90 डिग्री के एंगल है, इसको बोलते हैं ऑर्थो मोड। इसका शॉर्टकट है F8, तो हम इसको या तो F8 प्रेस करेंगे या फिर आप इसमें क्लिक करेंगे तो सीधी लाइन आएगा। ये 90 डिग्री में लाइन आते हैं, और लाइन के साथ साथ आप जैसे फर्स्ट पॉइंट में क्लिक करेंगे एंड सेकंड पॉइंट में आप जैसे लेके जाएंगे माउस को, कर्सर को, तो आप दिखेगा यहाँ पे ऑर्थो मोड, ऑर्थो और 35.2850। ये डायमेंशन बताता है लाइन की, आपका लाइन यहाँ तक। मैं अगर इस जगह क्लिक करूँ तो आपको जो दिख रहा है 30 पॉइंट कुछ समथिंग, ये लाइन बनेगा। और एंगल बता रहा है 0 डिग्री का। जैसे ही मैं इसको ऊपर करूँगा या नीचे करूँगा तो आपका एंगल चेंज हो जाएगा 270 डिग्री, वैसे 90 और 180। तो ये एंगल, चार एंगल में काम, ऑर्थो मोड अगर ऑन हो तो आपको ये चार एंगल में काम होता है। इसमें आप 45 डिग्रीज में नहीं जा सकते, या फिर 30 डिग्री या 1 डिग्री कुछ भी नहीं जा सकते। इसके लिए आपको F8 को ऑफ़ करना पड़ेगा या फिर ऑर्थो मोड को ऑफ़ करना पड़ेगा। इस जगह आप देख सकते हैं आपका लाइन कैसे भी आप लाइन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ, और आपको किसी स्पेसिफिक डायमेंशन में लाइन लेना है तब डायमेंशन दे सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए 10 का, तो मैं टाइप करूँगा कीबोर्ड में 10 और एंटर। आप देख सकते हैं वहीं से लाइन टूट चुका है, तो मैं ऐसे करूँगा यहाँ पे 5 एंटर, और मैं इसको एस्केप करूँगा, एस्केप बटन प्रेस करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ से लाइन टूट चुका है। ये जो डायमेंशन है यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमेंशन 10 का है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का है 5 का है। तो हम इसको कैसे चेक करें, आपको एनोटेशन टैब में जाना है। एनोटेशन टैब के अंदर है लीनियर, लीनियर में क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे, तो ये काफ़ी सारा डायमेंशन टाइप मिल जाता है। तो मैं हम सबसे पहले बात करेंगे लीनियर की। लीनियर लिया और आपको फर्स्ट पॉइंट में क्लिक करना है, ये बता देगा लाइन का एंड पॉइंट है, और ये भी एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट बता दिया, क्लिक करना है। और आपको कहाँ पे पोजीशन करना है डायमेंशन को, आप वहाँ पे पोजीशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 10 का डायमेंशन बन चुका है लाइन, और आप यहाँ से क्लिक कीजिए और थोड़ा जूम कर लीजिएगा, पोजीशन कीजिए तो 5 का, तो आप देख सकते हैं 5 एंड 10 का बन चुका है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, हम इसको जूम कर सकते हैं। माउस की मिडिल माउस बटन होता है, स्क्रॉल बोलते हैं हम इसको, उसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में घुमाते हैं तो वो जूम इन होता है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में घुमाते हैं तो वो जूम आउट होता है। और उसी बटन को अगर दबा के हम ले जाते हैं व्यूपोर्ट में, ड्रैग करते हैं तो व्यूपोर्ट मूव होता है। इससे व्यूपोर्ट मूव होता है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता, व्यूपोर्ट मूव होता है। आप देख सकते हैं साथ के साथ यूसीज भी जाता है ऐसे, तो इसका मतलब ये व्यूपोर्ट मूव हो रहा है। और लेफ्ट बटन को क्लिक करने से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है, या फिर जो कमांड है वो कमांड अप्लाई होता है। और राइट क्लिक करने से एक पॉपअप मेन्यू खुल जाता है, जिसमें जो मोस्ट रिसेंट कमांड है और कुछ एक कमांड है जो मेन कमांड काम में आने वाला, वो कमांड खुल जाता है। तो हमें दोबारा एस्केप करेंगे। अब सिलेक्शन है, सिलेक्शन से बाहर जाने के लिए आपको दोबारा एस्केप करना पड़ेगा, तो आप सिलेक्शन से भी बाहर जा सकते हैं। डिलीट करने के लिए सिंपली
सेलेक्ट कीजिए और डिलीट प्रेस को कीबोर्ड में डिलीट बटन को प्रेस कीजिए, ये डिलीट बटन है, इसको प्रेस कर तो आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है। या फिर इसमें इरेजर का सिंबल है, इस इरेजर को बटन को क्लिक कर दीजिए। तो मैं इसको एक बार अंडू करता हूँ कंट्रोल जेड से, दोबारा मेरा लाइन आ चुका है। तो लाइन लेने का प्रोसीजर मैं आप लोगों को बता दिया। अच्छा, मैं एक लाइन दोबारा आपको बता रहा हूँ, क्लिक किया, अब मैं माउस को क्लिक नहीं करना, फर्स्ट क्लिक करना है, सेकंड क्लिक नहीं करना, जस्ट आपको डायरेक्शन देना है और वैल्यू टाइप करना है। तो मैं इस बार एस्केप करूँगा, मेरे को यहीं ख़त्म करना है। इस लाइन को मैं सिंपली सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखना इसमें तीन ग्रिप मिल जाता है। तो लाइन के तीन ग्रिप के अंदर ये फर्स्ट पॉइंट होता है, ये सेकंड पॉइंट होता है, मतलब दोनों एंड पॉइंट मान सकते हो आप, और ये मिड पॉइंट है। और आप यहाँ पे कुछ शेप्स भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया। क्लिक किया मैंने तो आप देख सकते हैं इसमें चार ग्रिप्स आता है, एंड पॉइंट ये और ये, और बीच का ही मिड पॉइंट होता है। तो इसकी बात हम बाद में करेंगे, इसमें कैसे यूज़ लेते हैं। मैं एक बार एस्केप करता हूँ। अब कोई एक ऑब्जेक्ट, एक दो ऑब्जेक्ट और सिर्फ बना लेते हैं, जैसे आप सर्कल बना सकते हैं। अब मैं आपको सिलेक्शन की कुछ बात बताता हूँ, कैसे सिलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑटोकैड में दो टाइप का सिलेक्शन टाइप होता है, जैसे एक लेफ़्ट टू राइट सिलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में, और एक राइट टू लेफ़्ट कर सकते हैं आप, ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन बोलते हैं इसको, आप इस सिलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों में ज़रा सा अंतर है, देखते हैं अंतर क्या है। मैं दोबारा स्किप किया, इसको बोलते हैं विंडो सिलेक्शन और इसे बोलते हैं क्रॉसिंग सिलेक्शन। तो क्रॉसिंग सिलेक्शन में ग्रीन कलर का शो होता है और डैश लाइन में रीजन सिलेक्ट होता है। तो मैं अगर इसको लेफ़्ट टू राइट करता हूँ तो आप देखेंगे ब्लू कलर का शो हो रहा है। विंडो सिलेक्शन में ऑब्जेक्ट जब तक पूरा विंडो के अंदर नहीं आता तब तक ऑब्जेक्ट आप देखेंगे सिलेक्ट नहीं होगा मेरा। देख सकते हैं मेरा ज़रा सा बाहर है तो मेरा सिलेक्ट नहीं हो रहा। और अगर मैं इसको करता हूँ, देखो लाइन सिलेक्ट नहीं हुआ, मैं रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गया। और आप क्रॉसिंग सिलेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट ज़रा सा टच भी हो तो भी देख सकते हैं पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं इस पर टच करता हूँ तो देख सकते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है। तो इसे बोलते क्रॉसिंग सिलेक्शन और ये विंडो सिलेक्शन। एक बार हम बस सिंपली आपको क्लिक करना है, ड्रैग नहीं करना, क्लिक करना है और माउस को छोड़ के दूसरी पॉइंट में क्लिक करना है। इसमें तीन टाइप का सिलेक्शन होता है, आप नीचे देख सकते हैं कमांड लाइन में देखिए, फैन सिलेक्शन, डब्लू पॉलीगन और सी पॉलीगन दिया हुआ है। तो हम देखते हैं इसमें क्या 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 है। फैंस की बात करें तो एफ एंटर। अच्छा, एक बात और बता दूं आप लोगों को, कमांड लाइन के अंदर जो कैपिटल अक्षर में दिया हुआ होता है वो इसका शॉर्टकट होता है। तो कैपिटल अक्षर में क्या दिया हुआ है, या एफ दिया हुआ है, तो इसका मतलब फैन सिलेक्शन ऐप एंटर करेंगे तो फैन सिलेक्शन होगा। और इसमें देखोगे कि W और P दोनों कैपिटल में, तो दोनों कैपिटल में है इसलिए इसको W और P दोनों ही दबाना पड़ेगा। और इसमें C पॉलीगन में C और P दोनों कैपिटल में है तो आपको C और P दोनों टाइप करके एंटर करना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी कमांड लेने के बाद या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद एंटर करना इसमें कंपलसरी है, एंटर करे बिना कोई काम नहीं होगा, तो आपको एंटर करना नहीं भूलना इसमें। तो हम देखते फैन सिलेक्शन में क्या होता है, सिंपली एफ एंटर करेंगे या फिर आप फैन सिलेक्शन में क्लिक करना है।
तो फैन सिलेक्शन में फेंस बनता है, यानी बाउंड्री बन जाता है, एक लाइन बन जाता है। तो आप देखोगे सीधी मेरा ऑर्थोमोन ऑन है, इसलिए मेरा लाइन 90 डिग्री के एंगल में हो रहा है, यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकली जा सकता है। तो मैं इसको या तो मैं ऑर्थो आपको ऑन ऑफ करूँगा यहाँ से, या फिर एफ एट टाइप करूँगा शॉर्टकट। अब देख सकते हैं मेरा लाइन जैसे बन रहा था फिर वैसे बनने लग गया। क्लिक करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं मैंने क्लिक कर दिया, और एंटर करना है आपको। तो आपका लाइन जिस जिस के ऑब्जेक्ट के ऊपर से जाएगा वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। दोबारा देखिए, मैंने क्लिक किया और मैंने एफ एंड एफ टाइप किया, एफ और एंटर, और सिंपली क्लिक करते जाइए और एंटर कर दीजिए। एंटर करना कंपलसरी है, तो मेरा इसको बोलते हैं फैन सिलेक्शन। दोबारा मैं स्किप किया, क्लिक किया, सिंपली क्लिक किया, ड्रैग नहीं करना। ये मेरा ऑटोकैड का वर्ज़न है, तो 2013 है, तो 2016 से लेके 16 में या उसके अबव आप ड्रैग करेंगे तो उसमें लैसो सिलेक्शन खुल जाता है। एक लैसो सिलेक्शन होता है उसमें, इसमें आपका तीन ही सिलेक्शन टाइप है, उसमें लैसो सिलेक्शन चालू हो जाता है अगर आप ड्रैग करते हो तो इसमें नहीं है, तो इसमें तीन टाइप का है। अब देखते हैं डब्लू पॉलीगन क्या होता है। आपने क्लिक करते जाइए, अब जितनी क्लिक करेंगे ये विंडो सिलेक्शन के अंदर हो रहा है, तो विंडो के अंदर जो आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं पॉलीगन बनाया, आपका और कोई ऑब्जेक्ट होता तो भी आप ले सकते हैं। ऐसे ऐसे मैं एंटर करूँगा तो देख सकते हैं विंडो के अंदर जो आया वो सिलेक्ट हो गया। लास्ट में है सी पॉलीगन, सी पॉलीगन का मीन्स है क्रॉसिंग पॉलीगन। एंटर डब्ल्यू पी पॉलीगन का मतलब है विंडो पॉलीगन। मैंने क्लिक किया, अब देख सकते हैं डब्ल्यू पॉलीगन है। डब्ल्यू पॉलीगन मीन्स है विंडो पॉलीगन है, और सी पॉलीगन का मीन्स है क्रॉसिंग पॉलीगन्स में से। जैसे मैंने ये विंडो सिलेक्शन था, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन है ये, तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन विंडो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन है, और उल्टा करें तो ये क्रॉसिंग रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन है। वैसे ये पॉलीगन है, विंडो पॉलीगन रीजन और क्रॉसिंग पॉलीगन रीजन। तो आपका था ये सिलेक्शन का मेथड। एक शॉर्टकट टाइप करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एस ई एल टाइप करेंगे तो भी आप ऑब्जेक्ट को टाइप कर सकते हैं, एस ई एल एंटर, एंटर करना इसमें ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं मैंने एस ई एल एंटर किया तो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट को। आगे देखते रहिए दूसरी वीडियो, उसमें मैं बताऊँगा आगे का कमांड। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।